नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। छात्रावास में 8 वर्षीय बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म, मां ने लगाया एसआई पर सौदेबाजी करने का आरोप, पुलिस पर उठाए कई सवाल। पीड़िता की मां का कहना है कि स्कूल संचालक ने उसे सौदेबाजी के लिए भेजा था, जबकि एसआई महिला का परिचित बताया जा रहा है। वह ही बच्ची का प्रवेश कराने के लिए ज्ञान गंगा स्कूल पहुंचा था। मिस रोड थाने में तैनाती के दौरान से वह स्कूल प्रबंधक से परिचित रहा है। महिला ने आरोप लगाया कि अगर आरोपित भाग जाता है तो पुलिस इसके लिए जिम्मेदार होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 8 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता की मां ने अरेरा हिल्स थाने के सब इंस्पेक्टर प्रकाश राजपूत पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि स्कूल संचालक ने उसे सौदेबाजी के लिए भेजा था, जबकि एसआई महिला का परिचित बताया जा रहा है। वह ही बच्चे का प्रवेश कराने के लिए ज्ञान गंगा स्कूल पहुंचा था। मिसरो थाने में तैनाती के दौरान से वह स्कूल प्रबंधन से परिचित रहा है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी देर रात तक मिसरो थाने में मौजूद रहे और आरोपितों की पहचान की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को सीसीटीवी के फुटेज से इधर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा तिवारी ने दुष्कर्म की पुष्टि की बात जरूर कही और कहा कि शिकायत की एक बात को चेक किया जा रहा है, सभी आरोपी को बच्ची के सामने लाना चाहिए। मासूम बच्ची की मां कोर्ट में बच्ची को बयान दिलवाने के दौरान साथ में थी। उस समय पत्रकारों से बातचीत के दौरान महिला ने कहा कि पुलिस को हमारी ओर सीधी शिकायत आरोपित के नाम लेकर की गई है, तो पुलिस ने मामले अज्ञात आरोपित पर एफआईआर क्यों की, यह बात मेरी समझ में नहीं आया है। यह बात पुलिस के आला अधिकारियों को समझनी चाहिए। पुलिस को सभी आरोपितों के बेटी के सामने लाना चाहिए, मेरी बेटी उनको पहचान लेगी। अगर आरोपित भाग जाता है तो पुलिस इसके लिए जिम्मेदार होगी। मैंने एफआईआर कराने के लिए कभी मना नहीं किया है। सोमवार देर रात कर ली और पुलिस ने जो लिखवाए वह मैंने लिखकर दे दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।